लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इस वक्त हमारे साथ नवीन भाई बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गरज साहब हैं। आप आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन है। नवीन भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का ही नाम दिया जाना चाहिए। गरज साहब, क्या कहना है आपका, क्योंकि सरकार इसको डिरेल करने की बहुत कोशिश की, इसके बावजूद ही प्रकल्पग्रस्त आज सड़कों पर उतर गए। सर, ये सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन नहीं है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है। ये प्रकल्पग्रस्तों में सिर्फ आगरी समाज ही नहीं आते हैं, प्रकल्पग्रस्त में मारवाड़ी, गुजराती और मुस्लिम और बहुत सारे लोग हैं जो प्रकल्पग्रस्त में आते हैं। और यहाँ का बहुजन समाज, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ का बहुजन समाज दीबा पाटिल को मानता है, दीबा पाटिल के लिए रस्ते पर उतरता है, ये आज दिख रहा है। लगभग दोनों स्टेट में 200 किलोमीटर की ये मानवीय साखली की रैली हो रही है। एक जबरदस्त निवम में भी रैली दिख रही है, रोड पे लोग उतरे हुए हैं। इससे मालूम पड़ता है कि दीबा पाटिल साहब का एयरपोर्ट पे नाम देना क्रम प्राप्त है। जो विकल्प सरकार दे रही है वो विकल्प मंजूर है क्या? मेरे को जो विकल्प दे रही है, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हिमालय के ऊंचे के है, हम मानते हैं, लेकिन इस भूमि में इस लोगों को जिसने तड़पते हुए देखा है, तड़पते हुए लोगों को उसने सुबारा है, उन लोगों के लिए जो आदमी जान दे चुका है, इन लोगों के लिए पूरा अपना लाइफ दे चुका है, इन लोगों के लिए अपना खून बहा है, इस आदमी का नाम देना चाहिए। स्वर्गीय बाला साहेब को हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन स्वर्गीय बाला साहब के लिए पूरी महाराष्ट्र पड़ी है, पूरी इंडिया पड़ी है, बड़े बड़े और प्रोजेक्ट है, उस पर नाम दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ का जो भूमिपुत्र है, लोकल लोगों का जिसने देखा हुआ है, उसी स्वर्गीय दीबा पाटिल का नाम देना चाहिए, इस मत के हम है। बहुत बहुत थैंक यू सर।